सर, अपने बराती जोड़ी को आज 14 साल पूरे हो गए और सोशल मीडिया पे काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको कैसी लगी थी फिल्म? हाँ जी, देखिए फिल्म तो काफी शानदार फिल्म थी, मजा आ गया था मुझे तो उस वक्त भी। साल 2008 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, क्या जबरदस्त फिल्म थी। देखिए शाहरुख खान के भी वो डबल अवतार हमें देखने को मिले थे, एक तो देखिए वो सुरेंद्र सारी भरे हुए थे और दूसरी तरफ राज, मज़ा आ गया था। उन्होंने किस तरीके से देखिए वो कैरेक्टर प्ले किए थे, शानदार मूवी थी। एक तरफ देखिए बिल्कुल सीधे साधे से वो सुरेंद्र पाजी बने हुए थे, वो वाइफ थी उनकी अनुष्का शर्मा, वहीं देखिए वो भैया राज भी बने हुए थे, राज बिल्कुल कूल सा चिल सा बंदा, ज़बरदस्त फिल्म थी, मज़ा आ गया था किस तरीके से। देखिए काफ़ी अलग तरह की फिल्म थी वो उस टाइम पे, आपको याद हो तो साल 2008 में भी धमाकेदार कमाई की थी फिल्म ने, मेरे को अभी भी याद है। फर्स्ट शो देखने गया था फिल्म का, मतलब इतनी खतरनाक भीड़ थी पूरे थिएटर में, मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए आज 14 साल हो चुके हैं इस फिल्म को और अभी भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे फिल्म, अभी भी आती तो वो फिल्म देखता हूँ। और शाहरुख खान की देखिए वैसी आमतौर पर ज़्यादातर फिल्में ऐसी हैं, कभी भी देख लो आप कितने साल हो, उनकी कोई एज नहीं रहती। आप देखिए वो DDL जो कितने साल हो चुके, अभी तक भी वो चल रही है फिल्म। उसके अलावा देखिए अभी शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर ओम शांति ओम DDLJ की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी भैया अलग अलग सिटीज़ में भी, उसमें भी देखिए क्या ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था ओम शांति ओम वगैरह को भी। तो ऐसे में भैया अपने बना दी जोड़ी को आज 14 साल हो चुके हैं, हालांकि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कहीं नहीं हो रही, होती तो मैं फिर से देखने जाता, काफ़ी ज़्यादा पसंद अनुष्का शर्मा का देखिए डेब्यू था उस फिल्म के जरिए, कितना ज़बरदस्त देखिए डेब्यू किया उन्होंने, सीधे ही अपने बना दी जोड़ी से ब्लॉकबस्टर हिट मिली उन्हें, एक शानदार फिल्म।